नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। क्या अपने जमाने के बाहुबली नेता रहे आनंद मोहन एक बार फिर से जेल जाएंगे? उनकी रिहाई को लेकर के क्यों मचा हंगामा और कैसे पहुंचा ये मामला सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जिसकी वजह से फिर से उनके जेल जाने का खतरा मंडराने लगा है? दरअसल आनंद मोहन जी कृष्णैया तत्कालीन IAS DM की हत्या के दोषी माने गए थे और आजीवन कारावास की कोर्ट ने सजा सुनाई थी, वही सजा वो भुगत रहे थे। 15 साल अभी भुगते थे, लेकिन उससे पहले ही नीतीश सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया। उनकी रिहाई के लिए जेल मैनुअल 2012 में 10 अप्रैल को एक संशोधन किया जाता है, जिसमें सरकारी कर्मचारी यदि ड्यूटी पे है और उसकी हत्या होती है तो उस मामले में समय से पहले रिहाई नहीं हो सकती थी। और इसी क्लॉज को बदल दिया गया कि सरकारी कर्मचारी को भी एक सामान्य आदमी की तरह ट्रीट करते हुए उसी कैटेगरी में डाल दिया गया। और जैसे ही उसे उस कैटेगरी में डाला गया, आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया। ये संशोधन 10 अप्रैल को होता है, फिर जो है 28 अप्रैल को उनकी सहरसा जेल से रिहाई हो जाती है। आनंद मोहन का आभा मंडल कुछ इस तरीके का है कि उनकी रिहाई के बाद सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, बोलने से परहेज किया। कुछ विरोध में स्वर जरूर फूटे, लेकिन ज़्यादातर नेता और राजनीतिक दलों ने उनका समर्थन किया और ऐसे ट्रीट किया गया मानो कि वो निर्दोष हो। हुआ कुछ यूँ था कि जी कृष्णैया जो DM थे वो रास्ते से गुजर रहे थे, भीड़ थी जिसमें कि ये भी आनंद मोहन भी शामिल थे, और भीड़ उन पर टूट पड़ी थी, उनकी पीट पीट करके हत्या कर दी गई। चूँकि आनंद मोहन वहाँ पे थे इसलिए इनको दोषी माना गया था। इनका तर्क ये था कि ये तो भीड़ ने किया था, इनके ऊपर आरोप है कि भीड़ ने उकसाया, जबकि हमने भीड़ को उकसाया नहीं था। बहरहाल तथ्यों के आधार पे और साक्ष्यों के आधार पे कोर्ट ने फैसला दिया। कोर्ट के फैसले में जो है आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई, उस सज़ा चली रही थी। इसी बीच बेटे बेटी की शादी के लिए पैरोल पर भी रिहाई हुई और उसके बाद परमानेंट रिहाई की व्यवस्था कर दी गई। RJD का चूँकि समर्थन था, नीतीश सरकार मेहरबान थी, इसलिए ऐसा संभव हो पाया। अब जी कृष्णैया की जो पत्नी है उमा कृष्णैया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नीतीश सरकार ने गलत किया है, लिया जाए इसमें एक्शन लिया जाए, उसी पे सुनवाई हो रही है। 8 मई को सुनवाई हुई थी, इसके बाद फिर आज सुनवाई हुई, लेकिन आज बिहार सरकार ने उसमें समय मांग लिया। 1 अगस्त की अब नेक्स्ट डेट पड़ी है और उसमें जो है साफ साफ कोर्ट ने कह दिया है कि अपना लिखित जवाब दाखिल कीजिए, उस दिन कोई कंसिडरेशन नहीं होगा। देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या एक बार फिर से उनके सामने जेल जाने की नौबत आती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, पैरेलली हाई कोर्ट भी गया है, तो हलचल बढ़ गई है, क्योंकि माना ये गया कि ये सब कुछ सियासी वजहों से हुआ है। रहिए बेखबर, देखते रहिए।